दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि Realme 1 और Realme 2 के कंपैरिजन की बात करेंगे। जी हाँ, और वो समय आज आ गया है। और सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। दोस्तों, हम बात कर लें Realme 1 और Realme 2 के दोनों भाइयों में। जी हाँ, दोनों भाइयों में WWE होगा आज। जी हाँ, दोनों भाइयों में बम्पर लड़ाई। तो इस लड़ाई को देखते रहिए और इस चैनल को बरकरार रखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो नए मेरे दोस्त और मेरे फ्रेंड जो नया हैं, उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो कहीं भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक दोस्तों और रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब वीडियो देखते हैं। हर साय उते नाम बोले तेरा, किना कर दिया जटा जटी तेरा, तू यारी के राला। मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जो इसका मेन फीचर्स है और मेन इसके वर्क है वही मैं बताऊंगा। इन दोनों भाइयों के बीच क्या अंतर है दोस्तों, Realme 1 और Realme 2 के बीच जो अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है उसका फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, Realme 1 में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है और Realme 2 में बहुत ही फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है और बहुत ही एक्यूरेट फिंगरप्रिंट सेंसर है। दोस्तों, हम बात कर लें इसके सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। जी हाँ, Realme 1 में 6 इंच की डिस्प्ले मिल जा रही है और फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। जी हाँ, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। और वही बात कर लें Realme 2 के बारे में। जी हाँ, Realme 2 के बारे में बात कर ली जाए तो आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले मिल जा रही है, जो Realme 1 से थोड़ा बड़ा डिस्प्ले माना जाएगा और है भी। और दोस्तों, एक बात कर लें, Realme 1 में फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिल जा रहा है, लेकिन आपको Realme 2 में HD प्लस का डिस्प्ले मिल रहा है। जी हाँ, 4K वीडियो नहीं प्ले हो पाएगा, लेकिन दोस्तों HD प्लस तो जो डिस्प्ले होता है वो भी 4K वीडियो से कम नहीं चलता, उसे के टक्कर के वीडियो हो जाते हैं और वीडियो चलते हैं। दोस्तों, हम बात कर लें इसका प्रोसेसर। जी हाँ, इसके प्रोसेसर में भी बहुत ज्यादा अंतर है, जैसा कि आप जानते हैं Realme 1 में Helio P60 का, जी हाँ, MediaTek Helio P60 का प्रोसेसर दिया होता है, जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं Snapdragon 636, Snapdragon 845 के जो प्रोसेसर है उससे ये कंपेयर कर सकते हैं आप, बराबरी आ सकता है Helio P60 का प्रोसेसर। दोस्तों, ये तो Realme 1 का था। और दूसरे बड़े भाई की बात कर लें तो बड़े भाई जो है Realme 2 थोड़ा कम प्रोसेसर लेके आया, Snapdragon 450 का प्रोसेसर लेके आया है। ये Helio P60 से थोड़ा कम है, लेकिन Snapdragon 450 ये भी बहुत ही बड़ी प्रोसेसर है और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। जैसे कि आप जानते हैं मी के फोन Redmi 5A में Snapdragon 450 का प्रोसेसर है, लेकिन बहुत से ग्राहक है जो Redmi 5A को अभी चला रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं भी लैग और हैंग देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि Snapdragon 450 का प्रोसेसर ही बहुत ही बढ़िया है और दोनों ही फोन में Oreo रन कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। अब दोस्तों, बात कर ली जाए इन दोनों फोन के कैमरा के बारे में। जी हाँ, Realme 1 में आपको सिंगल कैमरा मिल रहा था, वो भी 13 मेगापिक्सल का LED फ्लैश के साथ। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जा रहा है। और साथ ही साथ बात कर ले Realme 2 के बारे में। जी हाँ, Realme 2 के बारे में बात कर लिया जाए, आपको वही डुअल कैमरा वाला फोन मिल जा रहा है। जी हाँ, रियल में आपको डुअल कैमरा मिल जा रहा है 13+2 मेगापिक्सल के। जी हाँ, 13+2 मेगापिक्सल का आपको रियल कैमरा मिल जा रहा है, जो कि ये अच्छी बात है और बुके इफेक्ट को, बुके फोटोज को बहुत ही अच्छी तरह से ये फोन कैप्चर करेंगे। और साथ ही साथ फ्रंट कैमरा की बात कर लें, जैसे आपको Realme 1 में मिल जा रहा था 8 मेगापिक्सल का, आपको इसमें भी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जा रहा है। बैक में आपको LED फ्लैश के साथ दोनों ही फोन मिल जा रही हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कैमरा को कैप्चर करता है। आप नॉर्मली इस फोन के लिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं, ओप्पो के अगर आप फैन हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, ये फोन बहुत ही जबरदस्त है। और दोस्तों, साथ ही साथ बैटरी की बात कर ली जाए तो इस फोन में बैटरी आपको कैसे मिलती है, Realme 1 में 3410 mAh की बैटरी मिल जा रही है, जो लगभग एक दिन की बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगी। ज्यादा इस फोन में अगर खटर पटर आप ना करें
तो एक दिन की बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगी। और Realme 2 की बात कर लें तो आपको 4230 mAh की बैटरी, जी हाँ लगभग दो दिन की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। लेकिन आप इसमें भी ज्यादा कुछ मल्टीपल वर्क ना करें तो दो दिन की बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगी। आप अब तो आपके ऊपर है कि आप फोन को कितना यूज करते हैं और कितना उपयोग में लाते हैं, इसलिए बैटरी की अनुमान करने की संभावना नहीं हो पाती है। इसलिए नॉर्मली तो ये दो दिन की बैटरी बैकअप Realme 2 दे देगी आपको। और फेस अनलॉक की बात कर ले तो दोनों में बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही फास्ट फेस अनलॉक है, बहुत ही सटर जो कि 0.1 सेकंड में ये अनलॉक कर दे रहे हैं आपके फोन को। दोस्तों हम बात कर ले इस फोन के बारे में लुक वाइज और फीचर्स के बारे में। तो लुक वाइज ये देख सकते हैं कैसा है और फीचर तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही ढांसू फोन है। और दोस्तों आपने दो भाइयों के बीच लड़ाई तो देख ली। और बैक की बात कर ले तो दोनों ही फोन डायमंड कट में आते हैं, Realme 2 ब्लैक ब्लू रेड कलर में आ जाएगा जो कि बहुत ही आकर्षक लग रहा है। ये देख सकते हैं आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। और Realme 1 ये भी ब्लैक कलर का आएगा और बहुत ही आकर्षक लग रहा है, हल्की सी ब्लू कलर की है लेकिन ये ब्लैक कलर मानी जाएगी। ये भी डायमंड कट जैसे Oppo F7 में देख रहे थे आप, डायमंड कट की डिस्प्ले बैक में डिस्प्ले है, वैसे ही इसमें भी आपको डायमंड कट की डिस्प्ले मिल जा रही है। दोस्तों फोन तो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा है और लुक वाइज तो बहुत ही शानदार ही फोन लग रहा है। अब आप इसे जाकर के आसानी से, ये फोन बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जबरदस्त फोन है, आप इसे जाकर के आराम से इसे परचेज कर सकते हैं 800990 में। जी हाँ 800990 में आप इसे दोनों ही फोन को जाकर के परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा अनुमान है, मेरे ओपिनियन है कि Realme 2 को आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा मूवी वगैरह नहीं देखते हैं तो Realme 2 को आप जाकर परचेज कर सकते हैं। Realme 2 की फ्लैश सेल 4 सितंबर को लगने वाली है, तो जाकर के आप उसे वहां लाइन में आप इंतजार कर सकते हैं कि ये फोन हमें मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं फ्लैश सेल की कैसी गड़बड़ी है। चलिए तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है या फ्रेंड से रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम। हर साय उते नाम बोले तेरा।